भारत सरकार की तरफ से क्लियरेंस दिया गया है तो इसके ऊपर भी न्यूज़ पे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको टारगेट करके एक आर्टिकल आपका लिखा गया है तो एडिटोरियल पार्ट में इसको करेंगे जली कट्टू पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसको लेके एक बड़ा सा आर्टिकल इन्होंने मेंशन किया है जलीकट्टू जो कि एक तरह का बुल टेमिंग स्पॉट है तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाता है तो क्या ये जानवरों के ऊपर क्रुअल्टी है या फिर ये कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का इंटरप्रटेशन इन्वॉल्व है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ये एक एडिटोरियल हमारा बच रहा था बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एडिशन करनी थी उस so, आर्टिकल में कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो स्पेशली आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स को लेकर और एक जजमेंट का जिक्र था जिसपे कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी थी तो ये एडिटोरियल वाला पार्ट हम पहले नहीं ले पाए थे इसको भी आज कवर करेंगे विंडफॉल टैक्स क्या होते हैं यो यो टैक्स और डेक्टाइ स्कैन ये साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा साइलेंट वैली में कुछ बर्ड स्पीशीज नहीं मिली है साइलेंट वैली केरला में है ये ध्यान रखिए तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लेंगे लास्ट में आपके एमसीक्यूज रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा चलिए शुरू करेंगे दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माय नेम इज राहुल भरद्वाज ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए इस लिंक पे आपको फॉलो करना है से आप जुड़ सकते हो रिगार्डिंग योर कंप्लीट प्रिपरेशन तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके होते हैं आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए एंड पुट द कोड आर बी एल आई वी टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट पर्सनल गाइडेंस ये टेलीग्राम है बच्चों के काफी सारे कमेंट होते हैं कि सर कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ तो ये यहाँ पे आपको पीडीएफ अपडेट हो जाता है इवनिंग तक डेली बेसिस पे क्लियर ठीक है चलिए शुरू करेंगे और पहले साइंस एंड टेक्स ही कर लेते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये हो जाएंगे कि यो, यो टेस्ट क्या होता है और डेक्सा स्कैन क्या होता है ये केवल प्रॉब्लम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बी ने क्या किया रिसेंटली इनको फिटनेस पैरामीटर के रूप में कहा है कि ये जो है अब आपके लिए कंपलसरी है पहले विराट कोहली जब कैप्टन थे तब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था फिटनेस पे ज़्यादा फोकस देने के लिए लेकिन फिर कहा गया कि केवल इसी बेसिस पे है ना आपकी जो एरोबिक एंड्योरेंस है उसी के बेसिस पे कैसे किसी खिलाड़ी को आप अच्छा बुरा बता सकते हो बट बात यह है कि अभी वापस से जो वर्ल्ड कप अभी वर्ल्ड कप हो रहा है तो वापस से फिटनेस पैरामीटर लाए हैं हमें क्या जानना है कि यू यो टेस्ट होता क्या है और किस पर्पज़ से किया जा रहा है और डेक्सा स्कैन क्या है तो यो यो टेस्ट देखोगे तो ये डेवलप किया गया डेनिश जो फुटबॉल के एक फिजियोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ से एक तरह का एरोबिक एंडोरेंस फिटनेस टेस्ट है जिसके अंदर क्या होगा जैसे आपको ये ये दे दिया यहाँ पे है ना 20 20 मीटर का ये गैप करके दिया है तो आपको दौड़ना है फिर वापस आना है तो 40 मीटर हो गया है ना एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए आपको कहा जाएगा इतने टाइम में आपको ये कवर करना है डिस्टेंस इतने टाइम में ये कवर करना है फिर क्या होगा इसमें एक रिकवरी पीरियड होगा लेटस से कि टेन सेकेंड का है और फिर आपको वापस से ये डिस्टेंस कवर करनी है ये बीस मीटर जाना बीस मीटर आना इस बार स्पीड ज़्यादा होगी तो हर बार क्या है स्पीड बढ़ाते रहेंगे ये और जब तक आप आ, बिल्कुल उस स्पीड को जो बता रहे हैं वो कवर नहीं कर सकते तब तक आपको करवाया जाएगा तो मिनिमम स्कोर यहाँ पे सेट किया जाता है मतलब आ, कितने लेवल्स आप कर रहे हो जैसे एक दो तीन कितने लेवल आप कर सकते हो तो मिनिमम लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो सेवनटीन इसका स्कोर था अभी कितना रहेगा वो आने पे पता चलेगा लेकिन इस तरह से ये योयो -यो टेस्ट कंसीडर करते हैं जिसमें क्या है रनिंग बिटवीन द मार्कर्स प्लेस ट्वेंटी मीटर पार्ट इंक्रीजिंग स्पीड अंटिल एग्जॉस्टन मतलब जब तक वो स्पीड जो चाह रहे हैं वो आप अचीव नहीं कर सकते तब तक आपको दौड़ाया जाएगा और एटलीस्ट आपको ये सेवनटीन का स्कोर लेके आना है ये सेवनटीन वाला लेवल लेके आना है अगर आपको यो यो टेस्ट पास करना है किस पर्पज के लिए है देखो रनिंग स्पीड से पता चल रहा है आपकी ये जो एरोबिक एंड है कि आपकी जो लंग कैपेसिटी है है ना हार्ट रेट इस तरह से जा रही है तो ये सब चीज़ें ये यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं फिटनेस के पैरामीटर के रूप में इसको बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है हालांकि विराट कोहली के टाइम पे ये यूज़ में था लेकिन क्रिटिसिज्म इसके किए गए कि केवल इसके बेसिस पर कैसे करोगे क्योंकि क्रिकेट के अंदर तो बॉल है बैट है है ना उसके साथ आपका क्या तालमेल है और कलाई का मूवमेंट है रिस्क मूवमेंट है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बट अगेन फिटनेस पैरामीटर के रूप में इसका कम हो चुका है तो यू यो टेस्ट बिल्कुल प्रॉब्लम्स के परस्पेक्टिव से इतनी डिटेल में तो नहीं जाएगा बट आपको ये ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट तो है, है? यहाँ पे एक्सरे का यूज होता है, एक तो ये रखना। और ये जो है ये भी इनको कहा जाता है डेंसिटी स्कैन क्या करते हैं बॉन्ड की डेंसिटी को माप रहे हैं मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मीजर कर स्कैन तो है इसका फुल फॉर्म है ये में कहा जाता है इसका फुल फॉर्म हो गया ड्यूअल एनर्जी एक्सरे शॉर्ट में देते हैं एक तरह का बॉन्ड डेंसिटी का स्कैन है जिसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता चल रही है इसके अलावा और क्या चीजें पता चलती है डेक्सा स्ट्रेंथ से डेक्सा स्कैन से आप देखोगे ट्रेनर्स विल बी एबल टू मेजर द फैट परसेंटेज बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है कौन से पार्ट में फैट परसेंटेज ज़्यादा है उस पार्ट पे हम एक्सरसाइज फोकस करें तो क्या हो गया हर प्लेयर का एक इंडिविजुअल आपने वो सेट कर लिया ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाला जा सके है ना हर प्लेयर पे इस तरह से काम किया जा सके और प्लेयर की अगर कोई रिकवरी है है ना उस पर हम काम कर रहे हैं क्या प्लेयर वापस से आने के लिए तैयार है इंजर्ड हुआ है तो जल्दी तो नहीं आ रहा है है ना कई बार होता है ना कि यार खिलाना है कई प्लेयर जल्दी तो नहीं आ गया है तो ये सारी चीज़ें Uh, करने में हमें ये डेक्सा स्कैन हेल्प करेगा इसमें एक्सरे यूज़ हो रहा है ठीक है बॉन्ड डेंसिटी का इससे पता चल रहा है फैट परसेंटेज मसल मास वाटर मास वाटर कंटेंट एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें पता चल रही है तो ए, एक एक एक्यूरेट पिक्चर हमें मिल रहा है किस तरह से प्लेयर्स को करना है नहीं करना है तो ये दो फिटनेस के पैरामीटर्स इन्होंने ऐड किए हैं अगेन वन मोर टॉपिक रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एक तो हो गया ये साइलेंट वैली का है साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल के अंदर तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमारे को काफ़ी सारी जो बर्ड की स्पीशीज़ है नई स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं इन द साइलेंट वैली नेशनल पार्क जहाँ पे एक बर्ड सर्वे किया गया अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाम है जो नई स्पीशीज़ है केवल उनके नाम थोड़े से ध्यान रखो क्योंकि चर्चा में आ गया है न्यूज़ में है और यू ने पहले इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं पहले क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं ना क्या ये बर्ड स्पीशीज है या फिर ये इंडिया में मिल रही है, नहीं मिल रही है तीन चार ऑप्शन आपको देगा तो आपको क्या करना है ये जो नाम लिखे हैं नई स्पीशीज के जैसे है ब्राउन वुड आउल तो ये तो पता चल ही रहा है आउल है तो ठीक है बर्ड में आ गया लेकिन बेंडेड बे कुकू इससे भी पता चल रहा है मालाबार वुड वुडे वाइट थ्रॉड किंगफिशर तो जहाँ पे आपको पता चल रहा है जैसे नाइट जा रहा है इससे भी पता चल जाएगा है ना तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है वहाँ पे मिल रहे हैं और बर्ड स्पीशीज़ है ये दो चीज़ें ध्यान रखो इसमें कोई रिसर्च लंबा चौड़ा नहीं करना है लेकिन प्रॉब्लम्स के लिए इस तरह से कई बार आ, डिफिकल्ट बनाता है क्वेश्चंस को तो उस केस में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी फाइन तो ये जो नाम है इनको ऐसा ध्यान रखो ये बर्ड स्पीशीज़ हैं ज़्यादातर नाम से पता चल रहा है बर्ड स्पीशीज़ है कहाँ मिल रहे हैं ये वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में स्पेशली साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है उस एरिया के आसपास यहाँ पर मिल रहे हैं क्लियर है अब हम आते हैं पॉलिटी आज पॉलिटी जीएस पेपर टू है उस पर कॉन्टेंट ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान से उसको देखना पहली न्यूज़ है ये आपको फ्रंट पेज पर देखने को मिल रहा है क्या कह रहे हैं अपोजिशन टू कर्नाटका महादाई रिवर वाटर प्रोजेक्ट है ना इसके इसको लेके जो विरोध है प्रोटेस्ट है गोवा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले महादाई रिवर कहाँ पे है क्या है उसके बारे में जाने फिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और इंटर स्टेट रिवर वाटर जो डिस्प्यूट होते हैं उसका एक पार्ट है महादाई रिवर को मंडोवी रिवर भी कहते हैं है ना और ये आपका ओरिजिनेट हो रही है कर्नाटक से कर्नाटक से यहाँ से ओरिजिन हो रहा है ये कर्नाटक आ गया ठीक है ना कर्नाटक से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ओरिजिन है और फिर गोवा के अंदर ये फ्लो कर रही है है ना फ्लोज इन द अरेबियन सी थ्रू गोवा तो गोवा होते हुए ये यहाँ पे जो अरेबियन अरब सागर है वहाँ पे जा रही है आप देखोगे जैसे पणजी है जो स्टेट कैपिटल है और ओल्ड गोवा है ये जो है इसके लेफ्ट बैंक पे इसको मंडोवी रिवर भी कहते हैं ध्यान रखना कई बार तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है अच्छा ये कौन से स्टेट में है क्लियर और ये कुछ बेसिक फैक्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये मैपिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर हम इसको जी पेपर टू में कर रहे हैं तो ये जो डि इन्फॉर्मेशन है इसको आप अलग नहीं लिखोगे जैसे इसको ये जोग्राफी का हो गया तो जोग्राफी में लिख लिया यहीं पर इसको कवर कर लो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ओल्ड गोवा पंजीस के जो है आ, लेफ्ट बैंक के ऊपर सिचुएटेड है और इसमें क्या ध्यान रखना है इसमें ध्यान रखना है कि जो दूध सागर फाल है नाम सुना ही होगा आपने बहुत फेमस है दूध सागर फाल इसी पे बना हुआ है आपका मंडोवी रिवर के ऊपर है तो ये तो है गोवा में और वरापोवा फाल जो है ये है कर्नाटक के अंदर ये और इम्पोर्टेंट ऐड हो गए है ना मैपिंग ऐड होती जा रही है आपके फिर इसमें ध्यान रखना है कलसाइन बाुरी जो स्ट्रीम है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है वैसे तो हम इनको याद नहीं करते कलसा एंड बंदुरी लेकिन अब ये जो डिस्प्यूट है इसी को लेके है क्योंकि जो प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये है कलसा बंदुरी नाला प्रोजेक्ट तो ये जो दोनों स्ट्रीम्स हैं है ना जो इसकी ट्रिब्यूटरीज ये आपको दिख रही है यू हैव दिस वन तो ये तो हो गई आपकी ये वाली रिवर महादाई या मंडोवी रिवर है ना और इसकी ये ट्रिब्यूटरी हो गई बंदूरी और कलसा ठीक है तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं ये भी आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्यूट इनके रिगार्डिंग बन रहा है अब कर्नाटक ने क्या किया एक प्रोजेक्ट बनाया और काफ़ी साल पहले वो प्रोजेक्ट बनाया था उसको नाम दिया कलसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट और ये क्या कर रहा है जो महादाई रिवर है मंडोवी रिवर है उससे वाटर को डाइवर्ट करेगा और कहाँ लेके जाएगा माल प्रभा रिवर की तरफ उस वाटर को लेके जाएगा ताकि बेलगावी जो डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे ऐसे एरिया हैं धारवाड़ बेलगावी ये जो एरियाज हैं जहाँ पे वाटर स्कार्ट सिटी है ना पानी की कमी है तो ये देख रहे हैं कि हम क्या करें मंडोवी या महादाई रिवर से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वाटर को हम कहाँ फीड करा दें इस तरफ हम दे दें क्लियर माल प्रभा रिवर की तरफ या इन एरियाज़ के अंदर हम ड्रिंकिंग वाटर की नीड को पूरी कर सकें इसको लेके ये प्रोजेक्ट बनाया और जब ये प्रोजेक्ट बना उस समय पे काफी विरोध हुआ है ना इवन पर्रिकर जी थे उन्होंने भी अपना एक मत रखा लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ फिर इसको मतलब वो रख दिया ठंडे बस्ते में रख दिया कोई काम नहीं हुआ प्रोटेस्ट रहा और इकोलॉजिकल डैमेज के भी इसमें जो है एस्पेक्ट थे फाइनली जो है यहाँ पे गोवा ने कहा कि कर्नाटक इस तरह से ये प्रोजेक्ट करना चाह रहा है तो क्यों ना आप एक ट्रिब्यूनल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कहा एक ट्रिब्यूनल आप सेट कीजिए जो ये बताएगा ट्रिब्यूनल ये बताएगा कि वाकई में जो रिवर का जो वाटर है है ना पानी का बंटवारा कैसे होना चाहिए फाइनली दो के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ अलाउ uh, किया कि हाँ ये ट्रिब्यूनल आपका सेटअप किया जाएगा और 2010 के अंदर ये ट्रिब्यूनल आपका बन के सामने आता है अब ट्रिब्यूनल बन गया ट्रिब्यूनल ने पूरे केस को ढंग से देखा और क्या कहा देखो 2010 में तो सेटअप हुआ है 2018 में ट्रिब्यूनल का अवार्ड आ रहा है तो कितना ज्यादा गैप आ रहा है क्लियर ये जो डिले है दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन रिड्रेसिंग द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट क्लियर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो ट्रिब्यूनल कह रहा है कि देखो आपका जितना भी है Uh, uh, तो उसके अंदर अराउंड थर्टीन पॉइंट फोर टू टी एम सी ये तो जाएगा कर्नाटक को और ट्वेंटी फोर टीएमसी जाएगा गोवा को ये नंबर याद रह रहा है तो ठीक है अदरवाइज जरूरत नहीं है टीएमसी का मतलब हो गया यू हैव दिस थाउजेंड मिलियन क्यूबिक है ना एक तरह इस तरीके से आप इसको लिखोगे तो uh, ये कह रहे हैं कि जो uh, uh, इतना टीएमसी है अराउंड थर्टीन टीएमसी ये तो जा रहा है कर्नाटक के पास में है ना बाकी ट्वेंटी फोर टीएमसी जा रहा है गोवा के पास ये ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया इससे गोवा खुश नहीं था डेफिनेटली और इस अवार्ड को आने के बाद ये कहा गया कि ये जो फाइव पॉइंट फाइव है ना आउट ऑफ दिस थर्टीन पॉइंट फोर टू इसको रट्टा नहीं मारना है ये कहने का मतलब है कि ये जो ट्रिब्यूनल है जिसने कहा कि इतना पानी कर्नाटक को मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए और उसी में से कुछ पानी मिलेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए कह रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो आपको पानी मिला है ना उसमें से कुछ को आप डाइवर्ट भी कर सकते हो माल प्रभा इसके लिए माल प्रभा बेसिन के लिए जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से करना चाह रहे हैं क्लियर और इसको नोटिफाई कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा 2020 के अंदर अब ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आया इसके बाद में चीज़ें और तेज होती हैं और ये जो ट्रिब्यूनल अवार्ड यहाँ पे आया है उसके लिए गोवा ने स्पेशल लीव पटिशन लगा दी जिसको एस कहते हैं शॉर्ट में एस क्या होती है स्पेशल लीव पटिशन दाखिल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास में अगर कोई हाई कोर्ट या किसी का भी कोई भी डिसीजन है और आप चाहते हो कि नहीं इसको जो है ये कोई अपील नहीं है स्पेशल लीव पटिशन एक तरह का जो है एक स्पेशल लीव हो गया एक रिक्वेस्ट हो गया कि इस बारे में हमारी बात को सुना जाए सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको अलाउ भी कर सकता है नहीं भी कर सकता है तो गोवा ने एक एस फाइल किया यहाँ पे ट्रिब्यूनल अवार्ड आने के बाद में कि आप जो है 2019 में ये फाइल किया था कि ये जो जिस तरह से एलोकेशन किया है ना हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है कर्नाटक को इतना पानी दे दिया हमारे को इतना पानी दे दिया हम इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप इस केस को दोबारा से आप सुनिए या देखिए तो ये अभी पेंडिंग है मैटर पेंडिंग है और इसके बाद भी जो है कर्नाटक यहाँ पे आगे अपने प्रोजेक्ट के साथ बढ़ना चाह रहा है क्यों बढ़ना चाह रहा है रीज़न आपको पता चल गया होगा इलेक्शन का प्रेशर है ठीक है और ये जो एरियाज हैं यहाँ पे वाटर स्का्टिटी एक मेजर इशू है और अगर इन एरिया को पानी मिलता है तो वो लोग भी खुश होंगे और एक पोलिटिकल एडवांटेज के रूप में भी रहेगा इसलिए आप देखोगे कि ये मैटर जो है कंटेम्प्टीशन भी इन्होंने डाल दी सुप्रीम कोर्ट में और कर्नाटक को कहा कि आप इलीगली जो है वाटर को डाइवर्ट कर रहे हो इलीगल तरीके से आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये जो बंस बंदूरी नाला प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से आप महादाई रिवर रिवर का पानी माल रिवर बेसिन के अंदर डाइवर्ट कर रहे हो गलत तरीके से तो ये मैटर और पेटिशन अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है लेकिन फिर भी कर्नाटक इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहा है और इसने जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इससे अपना जो है फाइनल अप्रूवल भी ले लिया हालांकि हालाँकि मिनिस्ट्री ने तो नहीं दिया है लेकिन इसने अपना फाइनल अप्रूवल ले लिया है यहाँ से सेंट्रल वाटर कमीशन से क्यों इतनी जल्दी है कि मैटर जो है सब्जुडाइज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन पड़ी है फिर भी आप आगे जा रहे हो इलेक्शन का प्रेशर है ठीक है तो ये वर्तमान में इस आ, आ, को लेकर पूरा इशू यहाँ पे है ये आपको ध्यान रखना है ये तो मैप बेस्ड चीज़ें हो गई ये क्या काला कलासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट का इशू है रिगार्डिंग दिस महादाई वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट अब इसमें एक और चीज़ हम ऐड करेंगे क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि केवल और कर्नाटक और इनके बीच में ही हो रहा है गोवा के बीच में वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट चल रहा है कृष्णा को लेके हैं तो बहुत सारे स्टेट्स इस तरह से जो डिस्प्यूट्स हैं उसके अंदर वो हैं इनके डिस्प्यूट को कैसे रिजोल्यूशन किया जा सकता है उस मैकेनिज्म को आप देखेंगे तो भारत सरकार की तरफ से एक लॉ बनाया गया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट नाम ध्यान रखना है कौन से ईयर में आया ये भी ध्यान रखना है ये जो कानून है ये क्या कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और उनके बीच में सहमति नहीं बनती है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के हिसाब से फाइन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ उप ओपिनियन कि हाँ वाटर डिस्प्यूट को एमिकेबली बातचीत से सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो ये क्या करेंगे वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल यहाँ पे बनाएंगे अब ट्रिब्यूनल देखेगा सारे पक्षों को न्यूट्रल तरीके से सुनेगा ना और फिर उस पर अपना डिसीजन देगा जैसे यहाँ पे ट्रिब्यूनल दो में सेटअप किया दो में अपना डिसीजन दिया तो उस तरीके से ट्रिब्यूनल इस तरह से अवार्ड देगा अब ट्रिब्यूनल का अवार्ड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ओपन है ना दरवाजे खुले हैं तो इसमें होता क्या है देखो दि दिक्कत यह है कि एक तो ट्रिब्यूनल कब बनेगा फिर बनने के बाद कब वो डिसीजन देगा जैसे इस महादाई वाले केस में दो में बना दो में उसने अपना अवार्ड दिया तो ये इतना ज्यादा गैप आ रहा है ना तो उसकी वजह से यह खिंचता चला जाता है सोल्यूशन कहीं नहीं निकल रहा है ये मैटर और खिंच रहा है तो सोल्यूशन पार्ट नहीं है इसीलिए एक 2002 में अमेंडमेंट भी किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सरकार या कमीशन रिकमेंडेशन इन्होंने कहा कि आप जो है एक साल के अंदर तो ये वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाओ टाइम फ्रेम रखो और तीन साल के अंदर अपना अपना डिसीजन इस तरीके से दो लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन का इशू है कि कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है तो कुल मिला दिक्कत यह है कि अभी जो प्रेजेंट मैकेनिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा डीले हैं उसकी वजह से अननेसेसरी पॉलिटिसाइज होते हैं मैटर लोगों के बीच के अंदर एनिमोसिटी बढ़ रही है ना अननेसेसरी का एक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या इस मुद्दे को हम ढंग से मतलब डील नहीं कर सकते हैं? क्या और कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है क्या और कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है तो ये कह रहे हैं कि इसी के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन एक तो बेहतर किया जाए दूसरा ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल कि एक परमानेंट ट्रिब्यूनल ही बना दें क्योंकि इस तरह के मैटर चलते ही रहते हैं वाटर क्राइसिस आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा तो इस तरह के मैटर चलेंगे तो क्यों ना हम यहाँ पे एक परमानेंट ट्रिब्यूनल बना दें जो इस तरह के इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है उनको डील करेगा तो एक तो बनने के अंदर जो टाइम लग रहा है वो नहीं होगा डायरेक्ट केसेस यहाँ पे आ जाएंगे और परमानेंट है तो थोड़ी चीजें बेहतर यहाँ पे हो सकती हैं जल्दी हमें सॉल्यूशन मिल सकता है तो दिस वुड बी अ काइंड ऑफ मेजर स्टेप यू कैन मेंशन इन द कंक्लूजन पार्ट वे फॉरवर्ड पार्ट में आप इसको लिख सकते हो तो ये हुआ पूरा टॉपिक आज एक एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा द वैल्यू ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस लोकल सेल्फ गवर्नेंस देखिए आप सभी को पता है 1992 के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में दो महत्वपूर्ण बदलाव आपके किए गए दो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वहां पे आपके किए गए हैं दो हजार चौबीस के लिए करंट अफेयर के नोट हाँ दो हजार जनवरी से आपको बनाने है बिल्कुल सही है और आपके जो भी डाउट होंगे ना वो भी हम ले लेंगे क्लास का टाइम आपका लगभग सवा सात के आसपास है सात से साढ़े सात के बीच में हम स्टार्ट इसको कर देते हैं सेवनटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ एक्सीलेंट एंड प्लीज़ डू शेयर द सेशन क्योंकि हुआ क्या था कल बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कि सर आपकी क्लास नहीं हुई है तो देखो इसमें यही है कि आपका ये जो है जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि कई क्यों बार होता क्या है यूपीएससी राहुल भारद्वाज यू राहुल भारद्वाज नाम डाल के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पे अगर आप अपडेट रहोगे सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ़ द क्लास क्योंकि होता क्या है यूट्यूब पे कभी नोटिफिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा है वो डिपेंड करता है ठीक है तो क्लास तो आपकी डेली बेसिस पे हो रही है वहीं पर लिखा हुआ है थमनेल पर कि डेली क्लास होती है तो ये डेली बेसिस पे ही आपकी क्लास रह रही है क्लियर सो लेट्स कम टू

क्यों लेके आए उसके रीज़न बताए हैं और क्यों अभी कॉन्स्टिट्यूशन की इतना मतलब रिफॉर्म होने के बाद मतलब इन इनको इतना इंपॉर्टेंस देने के बाद भी अभी ये फंक्शन क्यों नहीं कर रही हैं ये दो चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं तो आ, ये क्या है एक तरह का थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस है क्योंकि हम देखते हैं सेंट्रल में तो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट फिर गवर्नमेंट सेकेंड टायर हो गया थर्ड टायर के अंदर ये जो है पंचायती राज और म्यूनसिपाल्टीज इस तरह से वर्क कर रही हैं इनके वर्क करने के लिए डिवोल्यूशन ऑफ़ फंक्शन काफ़ी सारे फंक्शंस जो है इनको दिए जाएं कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं हेल्थ केयर है इन पे आप जो है अपने इस तरह से डिसीजन लोगे या सैनिटेशन हो गया ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग फंड्स हो गया फंक्शनरीज है ना इनको वर्क दिया जाए इनको इस तरह से फंडिंग की जाए फाइनेंसेस दिए जाए ताकि ये अपने जो भी फंक्शन हैं उनको फुलफिल कर सकें ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक लॉजिक था एफिशिएंट प्रोविज़न लाने का पर्पस क्या था लाने का पर्पस यही था कि ये जो पब्लिक गुड्स हैं है ना उनको प्रोवाइड कराने में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि लोगों के बिल्कुल करीब हैं स्मॉलर जुडिसिक्शन कैन प्रोवाइड सर्विसेज एज पर द प्रिफरेंस ऑफ देयर रेजिडेंस तो जो भी जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी आवश्यकता के अनुरूप काम कर सकते हैं लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें रहेगा क्योंकि वही तो यहाँ पे पंचायत म्यूनसिपालीज में चुन के आ रहे हैं तो इससे क्या होगा हमारी जो डेमोक्रेसी है हमारा प्रजातंत्र है ये और मजबूत होगा क्लियर ताकि आ, आ, सिटीजन्स यहाँ पे इंगेज हो सके क्योंकि उन्हीं में से लोग चुन के आ रहे हैं एम पी एम एल ए वाले केस में तो बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं ना लेकिन यहाँ आप देखते होंगे पंचायत में कोई चुनाव हो रहा है या मूनसिपाल्टी वार्ड मेंबर और तो उनसे तो आपका इंटरेक्शन है डेली बातचीत हो रही है कि अच्छा भाई ये दिक्कत हो गई आपका कोई वार्ड मेंबर है तो उससे बात हो रही है या सरपंच हैं चुन के आ रहे हैं तो उनसे डेली आपका इंटरेक्शन है तो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन इसमें किया है इसमें कोई डाउट नहीं है ये इसका पर्पस भी था क्लियर और इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि ये जो है प्लान को प्रिपेयर करने की लोकल लेवल पे जो प्लान है उनको इम्प्लीमेंट करना है ये सारी जो पावर्स हैं है ना ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे वो पावर्स इन सबको दी जाए गाँव में पंचायत को दी जाए और जो सिटी है वहाँ पर म्यूनसिपालिटीज़ को इस तरह से ये दिया जाए लेकिन इतना होने के बाद भी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही ये एफिशियटली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं जैसे हम म्यूनसिपालटीज़ की इस आर्टिकल में बात की गई कि हाँ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं सफाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं क्लियर तो ये बहुत ही बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी डिराइव कर रहे हैं फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं दिक्कत क्या आ रही है कह रही कि यहाँ पर सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है है ना उनकी तरफ से जो डिवोल्यूशन किया जाना चाहिए पावर का क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पे छोटा गया छोड़ा गया कि आप किस तरह से जो पावर डिवोल्यूशन है वो करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती यहाँ पे कि उनके हाथ से काफ़ी ज़्यादा जो पावर है वो डाइल्यूट हो फॉर एग्जाम्पल सिटीज़ में आप देखोगे सिटी इकोनॉमिक पावर हाउस है है ना वहाँ पर जो लैंड है हर तरह से इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि सारा कंट्रोल हमारे हाथ में हो है ना स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है दैट्स दट स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिलेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट इन इट्स लेटर एंड स्प्रिट मतलब इसकी जो ट्रू स्प्रिट है उसके अंदर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि जो डिवोल्यूशन है पावर्स का वो नहीं मिल पा रहा है फॉर एग्जाम्पल कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं म्यूनसिपालीज हैं ये एफिशिएंटली कब फंक्शन करेगी जब इनके पास में फाइनेंसिस पैसा आएगा तभी तो एफिशिएंटली फंक्शन कर पाएंगी क्लियर लेकिन ये अपने ज़्यादातर जो रेवेन्यू पार्ट है पैसे के लिए ज़्यादातर आपका मैक्सिमम केसेस में डिपेंडेंट होती है स्टेट्स के ऊपर स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर सरकार के ऊपर सेम केस इज देयर विद द पंचायत तो फिर जब ये इस तरह से डिपेंडेंट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ही नहीं है हाउ डू यू सपोज टू आई मीन परफॉर्म दीज काइंड ऑफ फंक्शंस विदाउट एनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए कि ये जो लोकल टैक्सेस हैं लेवी कर सके लगा सके टैक्स का कलेक्शन कर सके ताकि थोड़ा इंडिपेंडेंट होंगे तो उसी हिसाब से वो कर सके तो ये चीज हमें देखने को नहीं मिल रही है और ये सबसे बड़ा मेजर इशू यहाँ पे आ रहा है क्लियर कि इसको जो लेटर एंड स्प्रिट है इसकी उसके अनुसार जो है इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है कोर्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं कोर्ट्स ने भी यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन किया है तो नैरो सेंस के अंदर आपका किया है नैरो सेंस में इंटरप्रिटेशन होने से क्या है स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रिटेन की हुई है एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया जैसे आप देखोगे पटना वाला जो हाईकोर्ट का जजमेंट था एक्सक्यूज मी उसके अंदर क्या हुआ कि आ, वहाँ पे जो आ, आ, क्लास सी और डी जो कर्मचारी है ना उनको अपॉइंट करने का या उनको रिक्रूट करने की जो पावर है वो म्यूनसिपाल्टी से लेके स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा नहीं ये गलत है ये म्यूनसिपालिटीज़ के पास ही होनी चाहिए तो वो जो जजमेंट था वो बिल्कुल जो इसकी लेटर एंड स्प्रिट है सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की उसके साथ है क्यों क्योंकि सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कह रहा है कि हम जो है डिवोल्यूशन करेंगे किसका फंक्शन का तो करेंगे तो आपने फंक्शन का डिवोल्यूशन तो कर दिया बट वाट अबाउट द फंड फंड के लिए तो आप पे निर्भर है वो डिवोल्यूशन तो हुआ ही नहीं उनके पास पावर तो गई नहीं सिमिलरली द फंक्शनरीज क्या ये अपने खुद के स्टाफ को इस तरह से रिक्रूट कर सकते हैं क्या डेडिकेटेड कार्डर यहाँ पे है तो ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इनके एफिशिएंटली वर्क करने के अंदर रुकावट पैदा कर रही है यहीं से सॉल्यूशन निकल के आएंगे सोल्यूशन पार्ट में ज़्यादा इसमें तो नहीं डिस्कस किया ये कह रहे हैं कि हमें जो वाकई में जो फेडरलिज्म की स्प्रिट है कॉपरेटिव फेडरलिज्म की स्प्रिट जिसमें हम सेंटर वर्सेस स्टेट की बात करते हैं तो सेंटर वर्सेस स्टेट की बात नहीं करके सेंटर वर्सेस स्टेट वर्सेस लोकल जो बॉडीज़ हैं चाहे वो पंचायत हैं चाहे म्यूनसिपाल्टीज हैं उनको भी इंगेज किया जाए और ये जो वाकई में पावर डिवोल्यूशन है उसको ट्रू सेंस में पॉसिबल बनाया जाए कुछ सॉल्यूशन और आप ऐड कर सकते हो कि डेडिकेटेड कार्डर बनाई जाए है ना इनको लोकल टैक्स लेवी करने की आज़ादी हो टैक्स कलेक्शन की आज़ादी हो ना काफी सारी इनोवेटिव मैकेनिज्म यहाँ पे एड्रेस की जा सकती है के केस में प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सकता है सो मेनी थिंग्स आर देयर जो आप ऐड कर सकते हो कंक्लूजन uh, पार्ट में ठीक है कंक्लूजन वाले पार्ट में नेक्स्ट है तो आज ही के पेपर में आप एक और आर्टिकल देखेंगे दिस इज अबाउट जली कट्टू जली कट्टू जो है तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाने वाला एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है और इसमें इशू ये है कि इसमें जो बुल्स होते हैं उनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा क्रूअल्टी होती है उन पर अत्याचार हो रहा है तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसको तो बैन करना चाहिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेज नागराज केस नाम याद रखना है ये जो केस है इसमें इसको क्या कर दिया बैन कर दिया क्या कर दिया बैन कर दिया कि हाँ ये जो आ, आपका जो कानून है अगर हम बात करें क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट प्रशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ठीक है उसको उसको वो जो है उसको हम ऊपर रखते हैं और यहाँ पे ये जो इस तरह से बुल टेमिंग स्पोर्ट में जो क्रुएल्टी हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था बैन कर दिया था तो जो जल्दी कट्टी एक्ट है जल्दी कट्टू एक्ट है 2009 वाला इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन यहाँ पे किया 2014 में 2017 में बहुत ज्यादा मासिक प्रोटेस्ट होते हैं चेन्नई के अंदर लोग डिमांड करते हैं कि आप जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये जो बैन लगा हुआ है इसको हटाइए इसको नया कानून लेके आओ चाहे स्टेट गवर्नमेंट लाए या केंद्र सरकार लाए कोई भी लाए और इसको वापस से आप अलाउ करिए यहाँ पे तो दो के अंदर एक कानून यहाँ पे बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ क्रियल्टी टू एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट दो एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स कंडक्ट ऑफ जल्लीकट्टू रूल्स जल्दी ये दो आपके जो है नए ऐड होते हैं 2017 में अब केस क्या है केस ये है कि 2017 में इन्होंने कानून बनाया सरकार ने और इस कानून के माध्यम से अब जो जल्दी कट्टू है इसको कंडक्ट कराया जा रहा है तो यहाँ पे जो पटिशन है सुप्रीम कोर्ट में वो ये आई है कि आपका जो ऑर्डर था जो बैन किया गया था उसको ये सरकमवेंट कर रहा है ठीक है ये कानून बना के आपने जो बैन लगाया था उसको हटा दिया जल्दी कट्टू कंडक्ट करा रहे हैं तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने अपना जजमेंट रिजर्व रखा हुआ है और हो सकता है नेक्स्ट वीक में सुना भी दें लेकिन इसको लेके काफ़ी सारे आर्टिकल्स आना स्टार्ट हो गए हैं जब ये जजमेंट आएगा तो ये सारा बेसिक ये जो काम होमवर्क आपने कर लिया है ये उतना ही काम का रहेगा क्योंकि आप देखोगे 2014 में जो चीज़ें हुई थी वो आज भी हमें पढ़नी पड़ रही है तो अब जब नेक्स्ट वीक जजमेंट आएगा ये सारा का सारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो ऐड हो जाएंगे तो जो भी चार पाँच पॉइंट कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के होंगे वो ऐड हो जाएंगे अब कोर्ट ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का कर रहा है यहां पे दिक्कत ये आ रही है कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन ए आर्टिकल जो ट्वेंटी नाइन ए है वन है उसके अंतर्गत आप देखोगे कि इश्यू ये है कि ट्वेंटी नाइन वन जो है फंडामेंटल राइट right है ये आपको आज़ादी देता है किस चीज़ की टू प्रोटेक्ट एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ द सिटीजन है ना आपके अपने एजुकेशनल कल्चरल राइट जो है उसको प्रोटेक्शन कर रहा है सिंस ये कहा जा रहा है कि जली कट्टू जो है एक तरह की रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस है जो कई सौ सालों से प्रैक्टिस की जा रही है फाइन कई सौ सालों से हम इस तरह से इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं आ, आ, तो यहाँ पे यही ये कह रहे हैं कि एक तरह की जो रिलीजियस प्रैक्टिस है कल्चरल इवेंट है जो लोगों द्वारा सेंचुरीज ओल्ड ये ट्रेडिशन है इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्लियर तो क्या ये ट्वेंटी नाइन वन के अंतर्गत इसको प्रोटेक्शन मिल सकता है जो फंडामेंटल राइट right है है ना या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएगा प्रिवेंशन टू क्रुअल्टी टू द एनिमल्स जो एक्ट है कानून है उसके कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है तो अगर यहाँ पे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होगा जैसे 2014 में कोर्ट ने कहा था कि नहीं जल्लीकट्टू जो है ये कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है प्रिवेंशन टू क्रुअल्टी टू एनिमल्स है ना uh, 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 जानवरों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में इसलिए ये आपका फंडामेंटल राइट right हम यहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते इन कंडक्टिंग द जल्लीकट्टू लेकिन अब वापस से इसी पे चर्चा होगी तो क्या कोर्ट यहाँ पे आर्टिकल ट्वेंटी नाइन के अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जल्दी कट्टू को देता है कि हाँ आप इसको इस तरह से कंडक्ट करा सकते हो आप कहोगे सर दो हजार चौदह में डिसीजन दे दिया अब क्या नया होगा नया ये होगा स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हमने दो हजार सत्रह में कुछ चेंजेस किए हैं तो हम चाहते हैं रादर देन कंप्लीटली बैनिंग दिस इसको पूरी तरह से बैन कर दो ये अच्छा नहीं है हमने कुछ चेंजेस किए हैं जिसमें जो बुल्स हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है है ना उनके साथ क्रुअलिटी ना हो इस तरह की व्यवस्था की गई है और पूरी इस व्यवस्था के साथ हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जानवरों पर क्रुअल्टी भी ना हो और हमारे जो फंडामेंटल राइट right है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी नाइन फंडामेंटल राइट है ये भी हमारा क्या हो जाए प्रोटेक्शन हो जाए और हमारी ये जो रिलीजियस कल्चरल इवेंट है क्योंकि लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं लोगों की सेंसिटिविटीज़ हैं इसके साथ में क्लियर और इसके अलावा जली कट्टू की अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि आप देखोगे जो ट्रेडिशनल बुल्स हैं है ना हमारी जो ब्रीड्स हैं उनको ये यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिल रहा है क्लियर सेंसिटिविटीज इमोशंस लोगों के जुड़े हुए हैं इंडिजीनियस जो हमारी स्वदेशी जो नस्ल है ब्रीड है उसको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पॉट तो इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है कल्चर भी इन्वॉल्व है लोगों के इमोशन उनकी सेंसिटिविटीज भी इन्वॉल्व है तो आउटराइटली रिजेक्ट कर देना कि नहीं इसको वो लोगों की सेंसिटिविटीज के अगेंस्ट भी होगा फिर आपका फंडामेंटल राइट right भी है तो आई होप आपको ये पूरा इशू पता चल गया होगा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया था बैन कर दिया था लेकिन गवर्नमेंट नए कानून के साथ आई जिसमें कुछ प्रोविजंस रखे गए फॉर द सेफ्टी ऑफ द बुल्स एंड ऑल और अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं चाहते कि आप आउट राइटली इसको जो है रिजेक्ट कर दो रादर देन ए गुड सजेशन मतलब गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अच्छा ये होगा कि हम इसको रेगुलेट कर दें इसको रिफॉर्म कर दें कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना दें कि जानवरों का भी उनके साथ भी क्रोअल्टी ना हो और लोगों की सेंसिटिविटीज़ का भी ध्यान रखा जाए ये हो गया तो इसमें आर्टिकल ट्वेंटी नाइन जो है इसका इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है सबसे इंपॉर्टेंट ये फंडामेंटल राइट right है इस तरह से आ जाएगा ऐसे जो टॉपिक है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछता हुआ आया है और आगे भी पूछे जाएंगे क्लियर फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फोर्टी एट है इसकी भी चर्चा होगी कि जो आर्टिकल फोर्टी एट है कॉन्स्टिट्यूशन का इसको भी देखा जाएगा आर्टिकल फोर्टी एट क्या कह रहा है कि जो एनिमल हसबेंड्री वगैरह है उसको साइंटिफिक लाइन पे आप डील करोगे है ना तो क्या ये आप मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे इनको डील करने की तरफ कदम है क्या जल्दी कट्टू तो? इससे इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है इसका भी जो है देखा जाएगा और अगर इसके अगेंस्ट में डिसीजन आता है तो आप देखोगे कर्नाटक है कांतारा याद है कांतारा मूवी के अंदर एक देखी होगी आई होप आपने है ना बहुत ज़्यादा चर्चा में रही मूवी या सुना होगा उसमें एक जो इस तरह से ये ब्लॉक कार्ट रेस है है ना क्या नाम है नाम बता सकते हो उसका क्या नाम एक क्वेश्चन भी आपको पुट किया गया था कैन यू टेल द नेम कहाँ पे होती है कौन से स्टेट में होती है करके पूछ लेगा भूत कोला तो वो नाम है नहीं भूत कोला की बात नहीं कर रहा कंबाला की बात है भूत कोला इज अ पर्टिकुलर दैट फॉक ट्रेडिशन उसकी बात नहीं की जा रही है हम जो वो uh, बुलक काट ट्रेस है उसकी बात कर रहे हैं उसका नाम मैंने आपको पूछा है यस yes, कंबाला आया है आंसर आना स्टार्ट हुए। फिरोज ने आंसर किया है क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं इवन अगर आपको जान के हैरानी होगी एक मूवी आई थी हॉलीवुड मूवी थी और श्रीनिवास रामानुजन पे वो मूवी थी आ, उसका नाम भी पूछ लिया था जाना उसका नाम भी पूछ लिया था तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए ठीक है कम्बाला तो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक हो महाराष्ट्र हो वहां पे भी ये जो बुलक काट वाली जो रेस हो रही हैं है ना ये जो दौड़ हो रही हैं जो स्पोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर भी ये चीज अप्लाई होगी कि उस केसेस के अंदर क्या ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू तो एनिमल्स जो है है ना आ, ये सब सर्व तो नहीं हो रहे हैं क्या इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं इस कानून के क्या ये कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहे हैं ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट देखेगा और ये बड़े से आर्टिकल आपको इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया हुआ है नेक्स्ट वीक कभी भी वो जजमेंट आ सकता है क्लियर है आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे द केस अगेंस्ट द स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेंपल ये आपका आर्टिकल जो एडिटोरियल पार्ट है आ, हमें कल डिस्कस इसको करना था लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थी कुछ गैप्स मुझे लग रहे थे जो अगर हम फिल नहीं करते हैं सो यू वॉन्ट मेक सेंस ऑफ दिस आर्टिकल उससे पूरा फायदा आपको नहीं हो पाएगा पूरी डिबेट क्या है डिबेट यह है जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनका कंट्रोल जो हिंदू कम्युनिटी है या जो लोग हैं उन्हीं के हाथ में होना चाहिए ऐसा लोग कह रहे हैं क्योंकि अभी जो स्टेट का कंट्रोल है सरकारें जो हैं रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका कंट्रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो लोग कह रहे हैं कि ये जो टेम्पल कंट्रोल है क्लियर ये जो है कम्युनिटी के हाथ में जाना चाहिए तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है क्या प्रोविजन नहीं है और ये जो टेंपल कंट्रोल के लेजिस्लेशन जो कानून बने हुए हैं क्या ये सही भी हैं या नहीं है इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है और इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स क्या कहते हैं तो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव की चर्चा है और आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स की चर्चा है देखो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव जो है आपको आ, अपने जो रिलीजन है उसको फ्रीली जो है प्रैक्टिस करने की आज़ादी यहाँ पे दे रहा है कुछ कंडीशन लगा रहा है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन हो सकती हैं किस केस की हो सकती हैं मॉरलिटी पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पे जो स्टेट है वो आपका क्या है इनको रेगुलेट कर सकता है है ना आपकी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं अगर हेल्थ है पब्लिक ऑर्डर मॉरेलीटी ऐसे कुछ इशूज़ हैं तो आप यहाँ पर देखोगे तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है वेस्टर्न कंट्रीज़ से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है जो स्टेट है क्लियर जो मतलब सरकार है स्टेट है वो और रिलीजन उसके अंदर कोई इंटरफ्रेंस नहीं है दोनों अलग चीजें हैं सरकार का रिलीजन में किसी भी तरह का कोई लेना देना किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन और स्टेट और रिलीजन आर टू सेपरेट थिंग्स इंडिया के केस में क्या है इंडिया के केस में पूरी तरह सेपरेट नहीं है सरकार जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर इंटरफेयर कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन खुद कह रहा है क्लियर सब्जेक्टेड टू द पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी हेल्थ जहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है जिस तरह से जो भी है वो यहाँ पे करेगी तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर कर रही है ऐसा नहीं है सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाएगा सभी को अपने अपने धर्म को फॉलो करने की प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी यहाँ पे दी जा रही है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू यहाँ पे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं या नए लॉ यहाँ पे बना के क्या कर सकती है रेगुलेट कर सकती है रेस्ट्रिक्ट कर सकती है फाइनेंशियल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और अदर सेकुलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द फैक्ट है ना बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको की सरकार लॉ बना के उनको रेगुलेट यहाँ पे कर सकती है पर्पस क्या रहेगा पर्पस रहेगा रिफॉर्म करना हिंदू जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इनको ओपन करना क्योंकि पहले आप देखोगे जैसे मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ते हो तो हमेशा से हिंदू टेंपल्स को ओपन ज़रूरी नहीं है वो ओपन ही थे कई का, का, काफ़ी सारे टेंपल्स ऐसे थे जहाँ पे काफ़ी सारे जो स्पेशली जो आ, आ, कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखा गया तो यहाँ पर यह इंश्योर किया गया कि जो टेंपल्स हैं वो सभी के लिए ओपन रहें क्लियर ओपन टू ऑल सेक्शन एंड क्लासेस ऑफ द हिंदूज तो इस परपस से ये जो है ट्वेंटी फाइव टू आर्टिकल ये यहाँ पे स्टेट को पावर दे रहा है कि आप कानून वगैरह बना सकते हो टेम्पल एंट्री इंश्योर कर सकते हो फिर टेम्पल कंट्रोल की बात करें तो टेम्पल कंट्रोल के अंदर ऐसे एस्पेक्ट जो कि सेकुलर हैं जो रिलीजियस नेचर के नहीं हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए आप कानून बना सकते हो तो जो टेम्पल कंट्रोल लेजिस्लेशन है जैसे आप देखोगे जो तमिलनाडु है है ना तमिलनाडु का ये कानून है मद्रास हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट तो ये इन्होंने कानून बनाया इसके माध्यम से ये क्या कर रहे हैं जो भी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं या एंडोमेंट वहाँ पे वहाँ पे जितना भी दान आ रहा है धन आ रहा है डोनेशन आ रहा है उसको कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए इन्होंने ये कानून बनाया अलग से डिपार्टमेंट है वो लाखों करोड़ों रुपए है ना इस तरह से पूरा उसको मैनेज करके चल रहे हैं तो ये पावर कहाँ से आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिल रहा है और कोर्ट ने भी इसको अप्रूवल यहाँ पे दिया जैसे ये कह रहे हैं शिरूर मठ जो जजमेंट है ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट है शिरूर मठ का जो जजमेंट है इसकी चर्चा सबरीमाला के केस के अंदर भी हमें देखने को मिलती है अभी हिजाब का इशू चल रहा था है ना क्या हिजाब असेंशियल पार्ट है इस्लाम का या नहीं रिलीजन का असेंशियल पार्ट है या नहीं तो ये जो डिबेट है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको शिरूर मठ जो जजमेंट है नाइनटीन वाला ये जानना जरूरी है तो यहाँ पे भी कोर्ट ने काफ़ी सारे प्रोविजंस को तो हटा दिया था ये जो कानून है लेकिन यहाँ पे कुल मिला के ये कहा था कि हाँ आप अलाउ तो कर सकते हो मतलब सरकार कानून बना सकती है रिगार्डिंग द टेम्पल कंट्रोल इसको थोड़ा समझते हैं इसको समझने के लिए आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स को समझना पड़ेगा और ट्वेंटी सिक्स क्या करता है फ्रीडम देता है टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स देखो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल हैं ना तो आपको सारे रटने की जरूरत है ना हम रट सकते हैं ठीक है लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल उसके फंडामेंटल राइट बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए रटे होने चाहिए अच्छे से अब रटे होने ही नहीं चाहिए जैसे ये जो आर्टिकल 25, 26 की हम चर्चा कर रहे हैं इसका इंटरप्रिटेशन डिटेल में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू जस्टिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे कि किताब में तो ये लिखा हुआ ही नहीं है कहाँ से है कैसे लिखूँ क्या लिखूँ सोचने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है क्या मेरी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसमें आंसर राइटिंग आपका कोई दोष नहीं है उसमें चीजों को कैसे पढ़ना है वो वाली चीज़ है तो आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स क्या दे रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल ट्वेंटी के अंतर्गत आ रहा है राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन है ना आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स बी ये आपको अधिकार देता है कि आप जो रिलीजन के रिगार्डिंग जो मैटर है उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो ये एक तरह का फंडामेंटल राइट right है और उसको लेजिस्लेचर नहीं ले सकती है वहीं पे आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स डी जो है ये क्या कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बाय रिलीजियस डिनोमिनेशन क्लियर तो जो भी प्रॉपर्टी है ना इससे रिलीजन से रिलेटेड और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा उसको सरकार क्या कह रही है कि उसको रेगुलेट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कोर्ट का जजमेंट भी यही कह रहा है कि इसको आप रेगुलेट कर सकते हो कानून बना के तो ये जो शिरूर मठ वाला जजमेंट था इसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा इसमें कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स बी है ये तो आपका फंडामेंटल राइट right है कोई नहीं ले सकता लेकिन ट्वेंटी सिक्स डी जो है ये यहाँ पे क्लियर है कि जो प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन होगा दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ़ रिलीजन है ना तो इसके अंदर जो आपका एंडोमेंट्स हैं मतलब जो भी डोनेशन वगैरह आ रहा है टेम्पल के अंदर वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट अ पार्ट ऑफ मैटर ऑफ रिलीजन इसलिए इसलिए जो भी प्रॉपर्टी है उसको रेगुलेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कानून बना सकती हैं तो ये जो शिरूर मठ वाला है कर्नाटक का ये मठ था यहाँ पे इशू ये हुआ था कि जो स्वामी जी थे उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी ऑफिसर को रखा गया फिर उन्होंने पूछा कि आपने इतने इतने पैसे का क्या किया तो फिर उनको हटाया गया तो फिर ये कहा आपने मुझे क्यों हटाया तो ये पूरी इशू चल रही थी उसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप ये ध्यान रखो कि हाँ सरकार को ये अधिकार है सरकार को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है ना जो भी इससे रिलेटेड है उसके लिए वो लॉ यहाँ पे बना सकती है तो इन्होंने यहाँ पे शिरूर मठ वाले जजमेंट में क्या कहा मठ हैड द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी डी एंड देयर मठ मठ अंडर द मठ मतलब हो गया एक तरह से जो भी आश्रम या जो पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेक्शन हैड फंडामेंटल राइट टू एडमिनिस्टर इट्स प्रॉपर्टीज बाई इट सेल्फ सब्जेक्टेड टू लॉ सब्जेक्टेड टू लॉ का मतलब हो गया कि जो भी कोई कानून बन रहा है उसके अंतर्गत आपको ये प्रॉपर्टीज मैनेज करनी पड़ेगी तो काफ़ी सारे प्रोविजन्स इन्होंने इसके हटा दिए थे कि ये जो है गलत है लेकिन एक तरह से इन्होंने इसको अप्रूव कर दिया था किस चीज़ को अप्रूव कर दिया था स्टेट कंट्रोल को स्टेट का कंट्रोल इनके ऊपर रहेगा क्लियर है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये टेंपल कंट्रोल लेजिस्लेशन यहाँ निकल के आ रहे हैं शिरूरमर जजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस को अप्रूव कर रहा है अब इसके अगेंस्ट में आर्टिकल जो जजमेंट दे रहे हैं अगेंस्ट में हम बात करें देखो इसमें एक और ध्यान रखना है जो शिरूर मठ वाला जो जजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया यह है असेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन यहाँ पे कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हम ये डिसाइड करेंगे कौन सी प्रैक्टिस किसी भी रिलीजन के लिए असेंशियल है मतलब उस रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है और कौन सा उसी रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो ये डिबेट कई जगह पे चली अभी हिजाब वाला इशू चल रहा था उसमें भी ये बात सामने आई थी तो डॉक्ट्राइन ऑफ असेंशियलिटी कहां पे दिया गया शिरूर मठ वाले केस में दिया गया। जहां पे कोर्ट खुद जो अभी हमने डिस्कस किया इसमें। क्योंकि इसमें इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिलीजन क्लियर ये कहा ना तो ये कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है असेंशियलिटी वाला डॉक्ट्रिन तो ये तो हो गया टेम्पल कंट्रोल लेजिस्लेशन को फेवर करने की बात क्लियर हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा डिटेल हो रहा है बट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड वक्फ एक्ट करके आपका बना हुआ है उसके रिगार्डिंग है ना हालांकि हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं अभी हमारे पास जो है लिमिटेड एक ऑब्जेक्टिव है उसी कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अब इसके अगेंस्ट में क्या वो आ रहे हैं अगेंस्ट में क्या आ रहे हैं कि ठीक है आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कम टेम्पल को कंट्रोल करने के लिए कानून बना दिए है ना कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया कुछ कमियों के साथ बता दिया कि ये कमियां तो हैं जैसे कमियों की अगर हम बात करें मद्रास हाई कोर्ट ने भी कुछ डायरेक्शन यहाँ पे दिए थे कि आप जो कोर्ट की जो टेम्पल की प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मोर देन अगर हम सारा लेते हैं तो टेन लाख करोड़ से भी ऊपर ये जाता है क्योंकि काफ़ी सारी लैंड होगी डोनेशन होंगे इस तरह से जो टेम्पल प्रॉपर्टीज है इसका जो है आप सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे हो काफी सारी ज़मीन जो स्टेट यहाँ पे डील कर रहा है वो लोग क्या हड़प के बैठ रहे हैं लोग हड़प हड़प के वो जमीने बैठ रहे हैं मतलब उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो तो आप सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे हो वहां से जो इनकम होनी चाहिए वो इनकम आप नहीं ले पा रहे हो क्या एक्सटर्नल ऑडिट हो रही है पैसा कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ये बहुत सारी दिक्कतें इसमें हैं स्टेट कंट्रोल तो कर रहे हैं टेम्पल को लेकिन बहुत सारी दिक्कतें इसमें हैं और ये मद्रास हाईकोर्ट के रिगार्डिंग चीज़ें हमारे सामने आई थी और इसमें क्या दिक्कत होगा देखो इस आर्टिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किए हैं कह रहे हैं कि इन द गाइड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट द स्टेट इज स्ट्रेंचिंग अपॉन द रिलीजियस अफेयर्स कि स्टेट जो है रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है तमिलनाडु में काफ़ी सारे टेंपल्स की स्थिति ऐसी है वहां पे एक समय की पूजा भी नहीं की जा सकती है इस तरह की स्थिति बनी हुई है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हमने बात की कि कोई बाहर से ऑडिट uh, नहीं है एक्सटर्नल कैसे पैसे को यूज किया जा रहा है कैसे जो लैंड हैं है ना वो वाकई में मतलब लोग कब्जा कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो जो फंड्स हैं या जो प्रॉपर्टी है उसको ढंग से नहीं किया जा रहा है कई बार एक्टिविस्ट ने इसको हाईलाइट भी किया है तो ये सारे जो है इसके अगेंस्ट में यहाँ पे बन रहे हैं और व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड में यही है कि अगर स्टेट का कंट्रोल हटा दें फिर किसके हाथ में आएगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है तो ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी है है ना कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट आप करिए और यहाँ पे हम नहीं चाहते कि स्टेट की ब्यूरोक्रेसी उसका कंट्रोल हट जाए कोई दूसरी तरह की ब्यूरोक्रेसी आ जाए हम यहाँ पे चाह रहे हैं जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे ठीक है जो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड उन सबको यहाँ पे लिया जाए एक कंसेंसस बनाई जाए एक तरह का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेट किया जाए जो डिसाइड करेंगे कि टेंपल हाँ, कंट्रोल uh, या जो मैनेजमेंट है फंड वगैरह का प्रॉपर्टी का इस तरीके से किया जाएगा कोई भी ट्रस्ट हो सकता है और एनी काइंड ऑफ मैकेनिज्म कुड मैकेजम बट कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इंश्योर होना चाहिए सो दिस इज द होल डिबेट और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसमें काफी सारे एडिशन हमें करने पड़े क्यों ये डिले हो गया क्योंकि देखो जो आर्टिकल है ये आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स को स्किप कर रहा है इस पर डिटेल में चर्चा नहीं है और अगर ये ऐड नहीं करते हैं यू वॉन्ट मेक सेंस ऑफ दिस डिबेट वो बस हो जाएगा कि हाँ फॉर द सेक ऑफ डिस्कसिंग वी हैव डिस्कस दैट पर्टिकुलर आर्टिकल इसलिए ये थोड़ा सा एडिटोरियल हमारा डिले हुआ है कल हमें करना था बट आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर तो वो फीवर की वजह से आपका नहीं हो पाया आगे आते हैं पेपर थ्री पे पेपर पे थ्री अगेन आज के फ्रंट पेज पे आपको देखने को न्यूज़ मिलेगी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है लगभग बीस करोड़ का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक्सक्यूज मी क्या है इसको समझते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में सरकार के लिए हम लगभग बीस हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं ताकि इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन का हब बनाया जा सके अब ये ग्रीन हाइड्रोजन आप समझ गए होंगे देखो हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का वाटर के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होगा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और इस तरह से हमें मिलेगा जो भी स्टीम वगैरह है वो जनरेट हो रही है तो ये हाइड्रोजन हमें मिल रहा है अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी है सोलर पावर है जो भी है तो तो है ग्रीन हाइड्रोजन अगर वो कोयले से आ रही है एनर्जी तो वो ब्राउन या फिर ब्लैक हाइड्रोजन के केस में आएगा अगर गैस से आ रही है नेचुरल गैस से तो आ, आ, वो आपका बन रहा है यू हैव दैट वॉट ग्रे हाइड्रोजन जो मैक्सिमम है ग्रे हाइड्रोजन ये भी बनता है अगर नेचुरल गैस से एनर्जी हाइड्रोजन आप जनरेट कर रहे हो है ना और उसके अंदर जो कार्बन एमिशन है उसको वापस से स्टोर कर रहे हो तो वो हो जाएगा ब्लू हाइड्रोजन अगर न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो पिंक हाइड्रोजन ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये कह रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन पर हम फोकस करना चाह रहे हैं क्यों ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एमिशन जीरो है भाई मान लो किसी कार में आप हाइड्रोजन जो कार है वगैरह यूज़ कर रहे हो तो फ्यूल सेल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर वो कार चल रही है तो उसमें एमिशन जीरो हो गया लेकिन हाइड्रोजन जहां पे बन रहा है मान लो कोयला आप यूज कर रहे हो और हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस तो कोयला जनरेट हो रहा है कोयले से एनर्जी आ रही है तो वहां तो एमिशन हो रहा है ना तो यहाँ पे कार में नहीं हो रहा है एमिशन कार्बन का तो वहाँ तो हो रहा है तो कहीं हमें तो एमिशन कम करना है तो आपने क्या किया प्रॉब्लम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख दी ग्रीन हाइड्रोजन क्या कर रहा है प्रॉब्लम को ही खत्म कर रहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है ना बिल्कुल मस्त रहो आप तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस है इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन पे आपका फोकस है कह रहे हैं कि हम ग्रीन हाइड्रोजन में इंडिया का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का हब बनाना चाहते हैं जैसे आज आप देखोगे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ है सऊदी अरब वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जी को एक्सपोर्ट करते हैं हालांकि क्रूड ऑयल नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट है लेकिन कितने वेल्दी वो नेशन है कितना वेल्थ उनके पास है तो इसी तरह से आने वाले समय में फ्यूचर का फ्यूल है हाइड्रोजन और अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन में लीडर बनकर उभरते हैं तो इंडिया का भी उसी तरह से फ़ायदा हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट फाइव एम एम टी पर एन एम और इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी हम अलग से लगभग वन ट्वेंटी फाइव गीगाप करें लगभग आठ लाख करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आने की यहाँ पे अपेक्षा है और छह लाख जॉब यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए इन्होंने एक अलग से जो है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम रखा है एस साइट जी एस टी साइड प्रोग्राम यहीं पे पीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया पूरा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये जो साइट प्रोग्राम है क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है ये पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन है उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होंगी उनको कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने अलग से मतलब मैक्सिमम जो पैसा है इस पर साइट प्रोग्राम पर रखा है साइट प्रोग्राम में हम फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं एक तो हो गया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पे ऑलरेडी इंडियन जो आई है इसने एक मथुरा में रिफाइनरी लगा रखी है ग्रीन हाइड्रोजन के रिगार्डिंग है ना ये भी एक फैक्ट हो गया याद रखना और दूसरा हो गया कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा तो देंगे दूसरा हो गया डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है है ना इलेक्ट्रोलाइजर्स की उसको भी हम यहाँ पे टारगेट करेंगे क्योंकि अभी इंडिया क्या है इम्पोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइजर्स की आपको कमी देखने को मिलेगी क्लियर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइलाइजर्स हैं ये हमें लैग कर रहे हैं इनकी कमी है ठीक है तो इनके प्रोडक्शन पे मैन्युफैक्चरिंग पे टारगेट कर रहे हैं अंडर दिस साइट प्रोग्राम ठीक है तो हो गया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और साइट प्रोग्राम के अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइजर्स को बनाना जो ऐसे रीजन है जहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है वहां पे हम ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाएंगे क्लियर जो भी इंसेंटिव है वो देंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से रिसर्च को भी बढ़ावा देंगे ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के मेजर आपके हैं अब मिशन तो आपने डिक्लेयर कर दिया है इसके implementation में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एक तो दिक्कत यह है कि जो इलेक्ट्रोलाइजर है इसको हम कैसे प्रोक्योर करेंगे इसकी कमी देखने को मिल रही और फिर अभी जो आपका हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें फॉसिल फ्यूल का यूज हो रहा है सबसे ज्यादा यूज हो रहा है नेचुरल गैस मतलब सबसे ज्यादा अभी बन रही है ग्रे हाइड्रोजन इस ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है ठीक है तो इसके लिए हमें सस्ती सोलर और विंड पावर जनरेट करनी पड़ेगी क्योंकि अगर ये विंड पावर और सोलर एनर्जी सस्ती नहीं मिलेगी तो जो पर यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्शन की ये ज़्यादा होगी और फिर हमारा मतलब कोई इसको खरीदेगा ही नहीं कोई यूज ही नहीं करेगा स्टोरेज और हाइड्रोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत सेंसिटिव है क्योंकि थोड़ा सा भी लीक कर गया तो एक्सप्लोजन हो सकता है तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक चीज़ है है ना तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है दीज आर मेजर थिंग्स अब आपको याद होगा हमने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी डिस्कस किया था आई थिंक लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक की बात है दिसंबर में हमने इसको किया था और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है ये आपके प्रोविजंस रखती है कि पोर्ट पे इस तरह की फैसिलिटी डेवलप की जाएगी स्टोरेज की अलग से डेडिकेटेड क्लियर इसके अलावा ये कह रही है कि 25 इयर्स तक फ्री पावर ट्रांसमिशन दिया जाएगा मान लो राजस्थान में सोलर पावर जनरेट हो रहा है भेजना है यूपी के अंदर तो इसमें ट्रांसमिशन के चार्ज नहीं लगेंगे फ्री होगा तो इससे क्या होगा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये कम होगा तो गवर्नमेंट क्या कर रही है हाइड्रोजन पॉलिसी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रही है तो दोनों को एक साथ एक ही जगह पे पढ़ना है ये मैंने डिटेल में कवर करा रखा है इसकी अगर मैं समरी और बताऊं तो गवर्नमेंट सिंगल पोर्टल बना रही है ताकि नए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के प्लांट लगाए जा सके उनको इंसेंटिवाइज कर रही है क्लियर और ग्रिड कनेक्टिविटी दी जा रही है ट्रांसमिशन की कॉस्ट कम की जा रही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कहा जा रहा है कि आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी लीजिए और उस रिन्यूएबल एनर्जी को आप ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट को देंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में फ़ायदा मिलेगा और इसको आपके जो आर पी ओ है है ना कि मान लो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कहा है कि आपको दस जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योर करना है तो उस टारगेट में हम इंक्लूड कर लेंगे ऐसा ये कह रही है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ये अगर किसी बच्चे को डेट याद हो जहाँ पे हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी डिटेल के अंदर डिस्कस हो रखी है एक बार मुझे डेट याद नहीं आ रही आई थिंक एट है तो इन दोनों को क्लब करना है नेशनल ये आपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो डिक्लेयर कर दिया और सरकार इसी पॉलिसी के माध्यम से उसको सप्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट रेजेज विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल अब ये क्या होता है ये में पूछेगा और इकोनॉमी के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ठीक है इकोनॉमी में लगभग आप देखोगे पिछले कुछ सालों में ट्रेंड यही पकड़ रखा है कि बीस के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विंडफॉल टैक्स क्या होता है देखो विंडफॉल ये जो टैक्स है ये आपको तो देखने को मिलेगा एक तरह का सर टैक्स हो गया जो सरकार लगा रही है सरकार किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को पकड़ती है या किसी बिजनेस पर्टिकुलर है जहां पे तो सरकार को लग रहा है कि इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि इनकी तो निकल गई इनको प्रॉफिट बहुत हो रहा है बहुत मुनाफा ये कमा रहे हैं तो अगर ये इनकम मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ा है ठीक है तो क्यों ना इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें और इस टैक्स को यूज करें सोशल वेलफेयर के लिए तो वो जो ये एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं उसको विंडफॉल टैक्स कह रहे हैं विंडफॉल टैक्स इज अ सर टैक्स इंपोज बाय द गवर्नमेंट ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर दैट हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सपेंशन तो जनरली विंडफॉल टैक्स वगैरह ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है आपको यहां पे देखने को मिलता है तो कह है रहे हैं जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट ऑफ डीजल है एविएशन या टर्बाइन फ्यूल ए है इन पे हमने ये विंडफॉल टैक्स लगाया है और इससे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फायदा होगा क्लियर <coughs> परपस यही है कि जो फायदा होगा उस पर टैक्स हम लगा रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं और यहां से जो पैसा आएगा उसको हम सोशल जस्टिस या फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स में यूज कर लेंगे इसी तरह से और एग्जांपल हैं इनहेरिटेंस टैक्स है लॉटरी या गेम शो जो विनिंग है कि आपने लॉटरी जीत ली अच्छा चौथरी मिलियन डॉलर जीत गए जो भी है उस पर भी टैक्स लगता है वो भी इसी श्रेणी में आपका आता है हालांकि कंपनियां इसको अपोज करती हैं कि ये गलत है हम ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो आप हमारे पे टैक्स लगा दोगे ये गलत है ना हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म सेट करो कि ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो उसको उसी इंडस्ट्री के इनोवेशन में खर्चा कर दें बट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं समझ रहे हो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको नहीं चाहिए इस तरह से क्योंकि अभी रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेवेन्यू गवर्नमेंट को आएगा तो उधार कम लेना पड़ेगा और वो एक अच्छी चीज़ है ठीक है चलिए प्रबलिम्स बिट्स लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जितने भी क्वेश्चन लेंगे ये जो प्रीवियस आपके सेशंस से, हैं उसके डिस्कशन पे ही बेस्ड है है ना पिछले एक महीने के अंतर्गत जो हमने किया है डिस्कशन उसी पे बेसिस है ट्वेंटी सिक्स दिसंबर का है अच्छा तो एक बार छब्बीस दिसंबर का डेली करंट अफेयर राहुल भारद्वाज आप सर्च कर लेना उसमें हमने ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को डिस्कस किया है ठीक है ताल छापर ब्लैक बग सेंचुरी सिचुएटेड एक सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ताल छापर ब्लैक बग सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है ट्राई टू आंसर क्या होगा पे सिचुएटेड है सारे बच्चे कर दो इससे लड्डू क्वेश्चन क्या होगा इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा राजस्थान में है क्यों क्योंकि न्यूज थी राजस्थान सेंचुरी गेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जेड श्रिंकिंग जो इको सेंसिटिव जो है उसको कम कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन दिया गया था तो ये न्यूज में थी ब्लैक बॉक के बारे में भी हमने पढ़ा था उस सेशन के अंदर विद रेफरेंस टू द सन टेम्पल एट मोधेरा मोधेरा का जो सन टेम्पल है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं द सन टेम्पल एट मोधेरा गुजरात में है आपका है ना बिल्ड बाय द राजा भीमदेव ऑफ सोलंकी डायनेस्टी और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मारू गुर्जर स्टाइल के अंदर है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं दिस टेंपल आर्किटेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस 2023-24 चौबीस वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है और आर्ट एंड कल्चर का करंट से करके पूछ रहा है पिछले तीन साल से दो तीन साल से वट शुड बी द आंसर देखो सन टेम्पल एट मोधेड़ा क्यों न्यूज़ में था हमने पढ़ा भी था दोनों स्टेटमेंट सही है ठीक है लगभग इलेवंथ सेंचुरी में इसको बनाया गया सोलंकी डायनेस्टी के राजा द्वारा और मारू गुर्जर स्टाइल जो कि वेस्टर्न इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है है ना जो राजस्थान के टेम्पल्स हैं काफी सारे और वो इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में देखने को मिलते हैं सी इज द राइट आंसर टेम्पल टैंक बना हुआ है बहुत बड़ा और ये चर्चा में क्यों था चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंडिया ने ऐड कराया है इंडिया ने कहा है कि इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी तरफ से हम इसकी एंट्री कराते हैं इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आप डिक्लेयर करिए तो इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर इसकी एंट्री है लेटेस्ट ये आपको रेक्टेंगुलर टेंपल टैंक देखने को मिलता है और बहुत ही ऑसम awesome इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल डिटेलिंग हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि एमसी पार्ट है स्लाइड मैंने ऐड कर दिए गुर्जर मारू स्टाइल मतलब वेस्टर्न इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्लियर है कनमिंग मोन्ट्रियाल एग्रीमेंट कन्मिंग मॉन्ट्रियाल एग्रीमेंट ये किस बारे में है ये आपको पूछा गया मोन्ट्रियाल एग्रीमेंट इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर या फिर हम जो पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज से हमारी जो लैंड है ओशन स्पीशीज उनको बचाने की बात कर रहे हैं क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने की बात हो रही है या मीथेन गैस एमिशन को कम करने की बात हो रही है व्हाट शुड बी द आंसर कन्विंग मॉन्ट्रियल प्रोजे ये जो एग्रीमेंट है दिस वाज इन न्यूज़ इन द दिसंबर और ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है इसको केवल मॉन्ट्रियल से कंफ्यूज करोगे तो फिर आप आंसर करोगे ए जो मॉन्ट्रियल है 87 के अंदर था वो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के अंदर वो वो वाला एग्रीमेंट नहीं है ये जिसपे यू पी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है बट दिस इज नॉट दैट एग्रीमेंट कन्विंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट बी आंसर है और ये था दिसंबर में न्यूज़ कॉफ फिफ्टीन समिट अडॉप्ट द हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील और इसको कहा था कन्विंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट ठीक है और uh, डिटेलिंग यहां पे आपकी करी हुई है क्योंकि ये टॉपिक हमने पहले डिस्कस किया दैट्स वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल द पर्पस ऑफ पुटिंग दीज एनसीज इन द एंड ऑफ द सेशन कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और रिविजन भी हो जाए क्लियर दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव चलिए क्वेश्चन करिए मेन्स का ये जो है डेस्पाइट सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मुंसिपल गवर्नमेंट्स आर ऑफन सीन टू बी इन इफेक्टिव इन एड्रेसिंग इवन द मोस्ट बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन कमेंट करना है कि आप इससे एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो दोनों चीजें लिख दो तो शुरू में ये बताना है कि हाँ क्यों लाया गया सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट क्या इसके फायदे हुए ठीक है लेकिन क्यों इसका जो रियल पोटेंशियल है अचीव नहीं हो पा रहा है क्या लिमिटेशन हैं और लास्ट में तीन चार लाइन का वे फॉरवर्ड लिख के इसको कंक्लूड कर देना तो आपको मैंने हिंट दे दिया कैसे आंसर लिखना है इसको लिखिए और कमेंट सेक्शन में भी आप अपना आंसर पुट कर सकते हो ठीक है तो दिस इज़ ऑल ये जो सेशन है आपका डेली बेसिस पे हो रहा है क्लियर दे डेली बेसिस पे लगभग सात से साढ़े सात के बीच में हमारी क्लास होती है और उसके लिए आप ये टेलीग्राम है यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना यहाँ पे ही आपके पी मिलेंगे पी डी एफ सेशन्स से यहाँ आपके मिलते हैं वो अपडेट हो जाएंगे और क्लास की टाइमिंग क्लास आ, का लिंक वो सब यहाँ पर रहेगा सब्सक्रिप्शन लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सो दिस इज़ द थिंग क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है अनुराग ने क्वेश्चन पूछा है देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है सरकार को पैसा चाहिए कर्जे की जरूरत है है ना मान लो सरकार ने डिसाइड किया हम सौ रुपये खर्च करेंगे सरकार क्या कह रही है कि हम सौ रुपये खर्च करेंगे लेकिन सरकार के पास पैसा है सत्तर रुपये ही तो तीस रुपये सरकार उधार लेगी तो वो जो उधार लेगी उसको हम कहेंगे बोरोइंग रिक्वायरमेंट को कहेंगे फिजिकल डेफिसिट और उस डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करेगी कहाँ से वो पैसा लेके आएगी है ना क्या मार्केट से उधार लेगी बॉन्ड इशू करके आर को कहेगी नई करेंसी छापो वट एवर द मैनरस आर उसको हम कहते हैं कैसे वो पैसा लेगी अपना फाइनेंस करेगी डेफिसिट उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है ये एक बच्चे का डाउट था अनुराग का तो आई होप अनुराग यू आर फाइन दिस इज ऑल एंड प्लीज डू शेयर दिस सेशन है ना और लाइक दिस सेशन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट तो आई होप दिस से इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू तो अगर आपको सेशन हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि और एसपीरेंट्स की हेल्प हो जाए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन सो लेट्स गेट दिस सेशन रैप अप हियर अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया ये जो आपका ऑफर चल रहा है ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ है और इसका आप बेनिफिट ले सकते हो वट इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग द सब्सक्रिप्शन आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है क्लासेस का जिसमें आपका आठ से दस महीने जो भी टाइम पीरियड है एक साल वाट एवर इट इज या आप दो साल का ले रहे हो तो उस टाइम पीरियड में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है अनलिमिटेड एक्सेस है क्लासेस का इसके अलावा आपको वो सारे रिसोर्सेज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डाउट सॉल्विंग टेस्ट सीरीज वो सब आपको एक ही बार फीस देने पर मिल जाते हैं सो दिस इज द बेनिफिट एंड यूज़ द कोड आर बी एल आई वी ई टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस पाँच जनवरी से आपके जो आज के नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं ये रिविजन बैच है दो के लिए दो के लिए बारह जनवरी से आपका स्टार्ट होगा तो ये 2024 वाले बच्चों के लिए है जीरो परसेंट ई ऑप्शन आपको मिलता है दिस इज ऑल फॉर टुडे ओके हैव अ ग्रेट डे गाइस एंड टेक केयर